नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। हम बात करेंगे उस खबर की जिससे होता है आपको सरोकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया। बजट में तमाम तरह की चीजें रही। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट बताया। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए सुनते हैं। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च होगी, जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में हैं। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे संवाददाता हमारे साथ सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, विकास का रास्ता सड़क से होकर जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो एक्सप्रेस वे को लेकर किया है। माना जा रहा है क्योंकि इसमें लगातार ये देखा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे तमाम जो एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, जो जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उन पर खासा तौर पर ध्यान दिया गया। उनके करोड़ों रुपए के निवेश भी करने की बात कही सरकार ने। फिलहाल ये बात साफ स्पष्ट होती है कि सरकार विकास की दौड़ को पकड़ के चल रही है। और दूसरी बात बता दूं आपको कि अभिभाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में ये 25 बार रोजगार का शब्द इस्तेमाल किया था, उसके बावजूद भी रोजगार की बात नहीं की गई है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि युवाओं पर फोकस तो है बीजेपी का, लेकिन रोजगार की बात नहीं की गई। कोई नया ऐसा वैकेंसी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात ये कि महिलाओं का भी विशेष खासा ध्यान रखा गया है, शिक्षा के तौर पर भी ध्यान रखा गया है। और बता दूं आपको 3961 करोड़ केवल लखनऊ राजधानी को सजने संवरने के लिए, मुखावासी के लिए मिले हैं, जिसमें एनडीए को भी दिए गए हैं, नगर निगम को भी दिए गए हैं। और जो जेपीआईसी जो बिल्डिंग थी उसमें 850 करोड़ का निवेश सरकार ने करने की बात कही थी, तो उसके रास्ते खुल जाते हैं। सागर, अगर देखें तो इस बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है क्योंकि चुनाव नजदीक है और सीएम योगी ने भी बजट को लेकर तमाम बातें कही हैं। वहीं विपक्ष से अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताया है। जी देखिए, मैं यही आपको बता दूं कि एक बजट जब पास होता है तो उसमें विपक्ष की हमेशा से टिप्पणी रही है, क्योंकि विपक्ष का एक जो मायने है, विपक्ष अपने अपना जो पद है, विपक्ष का पद है, वो विपक्ष के तौर पर साहित्य बाद विरोध करते हैं, तो अखिलेश यादव का भी विरोध करना तय है। उसके बाद मायावती ने भी ट्वीट किया था, तमाम जो राजनीतिक संगठन है उन्होंने भी ट्वीट किया था। कहीं ना कहीं देखिए इस बजट को कुल मिला के देखा ये जा रहा है कि बजट को कुल मिला के उन्होंने साफ सभी जाहिर किया है कि वो विरोध रद्द कराना चाहते हैं। इसमें तमाम राजनीतिक संगठन जिसे, लेकिन बात करूंगा बजट की, तो इसमें बहुत बेहतरीन बजट योगी सरकार ने पेश किया है और इसमें विकास की बात तो भी कही गई है, रोजगार की बात तो सब हुआ तो है, लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या रोजगार वाकई युवाओं को मिलता है। और कन्या धन योजनाओं की भी बात की गई है, विकास की बात की गई है, साथ साथ शिक्षा की बात की गई है।
सागर, तो ये जो बजट पेश किया गया है इससे प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? जी नहीं, मुझे लगता है कि प्रदेश की तस्वीर तो अवश्य बदलेगी। सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर आपको बताओ कि राजधानी लखनऊ ही है। आप एक दिन ऐसे समय साथ में प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर बदली और साथ साथ प्रदेश के जितने भी जिले हैं 75 जिले हैं उसमें भी किसी तस्वीर बदलेगी क्योंकि सरकार ने एक जो एक्सप्रेस वे का जो मकड़ जाल है उसको बढ़ावा देते हुए उस पर तरजीह देते हुए बजट को भी पेश किया गया है और रोजगार की बात की गई है। और साथ ही ये भी देखने वाला बात है कि तस्वीर तो बदलेगी और साथ साथ ये भी बड़ी बात है कि 2024 में भी एक आम चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए भी योगी सरकार ने बजट को पेश किया गया। कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश भी की गई है लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जनता ने भी विरोध किया था इस चीज़ का कि कहीं ना उन्हें ना रोज़गार मिल रहा है ना मुफ्त अनाज तो मिल रहा है साथ साथ उन्हें रोज़गार भी चाहिए लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा इस बजट में रोज़गार का रखा गया था। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। बजट को लेकर सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र दो एयरपोर्ट क्रियाशील थे, दो आंशिक थे और दो वाराणसी और गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ, ये यहां पर पूरी तरह यहां पर क्रियाशील थे। आज हम 9 एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, 3 एयरपोर्ट वर्तमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील है, 9 अन्य एयरपोर्ट यहां पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया और उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक नई योजना इसमें हमने चलाई है, एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उद्यमी हैं या जो वहां कारीगर हैं, उनको सुरक्षा बीमा का कोई कवर नहीं था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हम इस बार उसको लागू कर रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। अगर किसी आपदा के कारण, किसी दुर्घटना के कारण उस उद्यमी की, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाली किसी उद्यमी की, किसी कारीगर की, किसी हस्तशिल्पी की दुर्भाग्य से मौत होती है तो 5 लाख रुपए की बीमा कवर उसे देने का कार्य किया जाएगा और इसको लेकर के हम लोगों ने कार्य पर इसमें बजट में उसका प्रावधान किया है। साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, कल यूपी का बजट पेश हुआ है, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं तो पूर्वांचल में क्या कुछ खास मिला है? की हृदय स्थली यानी गोरखपुर जो योग गुरु गुरु गोरखनाथ की नगरी कही जाती है, उनकी तपोभूमि कही जाती है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से आए हैं और वहाँ के मठाधीश रहे हैं। अगर उस पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे 200 करोड़ के औद्योगिक विकास की बात हुई है, जहाँ पे 200 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा, बाकायदा 200 करोड़ रुपए की निवेश की बात की जा रही है। तमाम बड़ी कंपनियां पूर्वांचल में अब इन्वेस्ट कर रही हैं और जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आधार पर अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में अच्छा खासा निवेश आया हुआ है इस समिट से भी और इस बजट में भी। लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से मेट्रो परियोजनाएं की बात की जाए कि बनारस में मेट्रो परियोजनाएं शुरू होंगी, गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाएं शुरू होंगी, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस बजट में पूर्वांचल का खास ध्यान रखा गया है क्योंकि आने वाले समय में 24 का लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। दिल्ली का रास्ता एकदम उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है और पूर्वांचल जो है यहाँ का एक अहम हिस्सा है, तो पूर्वांचल का ध्यान रखना सरकार के लिए बेहद जरूरी था और पूर्वांचल के एक हिस्से से मुख्यमंत्री खुद चुन के आते हैं। पिछले समय में उन्होंने पूर्वांचल के लिए काफ़ी योगदान दिया है, काफ़ी विकास कराया है। तो मेट्रो सिटी की अगर बात की जाए तो गोरखपुर बनारस में मेट्रो सिटीज बनेंगी, ये मेट्रो सिटीज बनेंगी और गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र यानी गीडा में 200 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है। इसके अलावा बनारस में भी कई परियोजनाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा पहले से चलाई जा रही हैं और उनको और भी दुरुस्त किया जा रहा है। मयूरी विवेक, कल बजट पेश हुआ है और देखा जाए तो बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, क्या आपकी प्रदेश की जनता से बात हो पाई है कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है बजट को लेकर?
जी बिल्कुल, बजट को लेकर हमने जनता से अपना संपर्क साधा और जनता से बजट पर उनकी राय जाननी चाहिए। हमने तमाम लोगों से बातचीत की। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट था और लगभग 7 लाख करोड़ के आकार का ये बजट था। अगर पिछले साल की बात की जाए तो उससे 75,000 करोड़ रुपये ये बजट है और हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव इस बजट के मद्देनजर ही साधा जाएगा। और बात की जाए सुमंगल योजना की तो उसमें 1,050 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने की सौगात कही जा रही है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर की बात की जा रही है, तमाम तरह की चीज़ें बताई जा रही है। जब हमने जनता से यह जाना कि कितना ऐतिहासिक और लाभकारी यह बजट होगा, जिस प्रकार से सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, तो तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने विचार हमारे सामने रखे। कुछ लोगों ने इस बजट का विरोध किया कि यह बजट सिर्फ भाषण में ऐतिहासिक है, बल्कि ऐतिहासिक कुछ है नहीं। कुछ लोगों ने किसानों का मुद्दा उठाया, MSP का मुद्दा उठाया, आवारा छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठाया और तुलना करते हुए पंजाब हरियाणा से बताया कि MSP जो है उत्तर प्रदेश में अभी भी गन्ना किसानों की तय नहीं हो पाई है, पिछले सालों का भुगतान अभी तक नहीं तय हो पाया है। तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, ऐसा जनता का कहना है। वहीं कुछ लोगों ने इस बजट को बेहतर बताया और पूर्वोत्तर सरकारों के बजट से भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस बजट को, योगी सरकार के इस बजट को ज़्यादा अप्रिशिएट किया और कहा कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बार सरकार ने इस बजट में रखा हुआ है। मयूरी जी, विवेक बने रहिएगा आप हमारे साथ। बजट को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री, एक नई योजना इसमें हमने चलाई है, MSME सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उद्यमी हैं या जो वहां कारीगर हैं, उनको सुरक्षा बीमा का कोई कवर नहीं था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हम इस बार उसको लागू कर रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। अगर किसी आपदा के कारण, किसी दुर्घटना के कारण उस उद्यमी की, MSME सेक्टर में कार्य करने वाले किसी उद्यमी की, किसी कारीगर की, किसी हस्तशिल्पी की दुर्भाग्य से मौत होती है तो 5 लाख रुपए की बीमा कवर उसे देने का कार्य किया जाएगा और इसको लेकर के हम लोगों ने कार्य पर इसमें बजट में उसका प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री, एक नई योजना इसमें हमने, ये तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब सुनते हैं विपक्ष से अखिलेश यादव ने क्या कहा, जिन्होंने बजट को दिशाहीन बताया है। ओए, वो कागज दिए थे मैंने किसी को, गौरव किसको कागज दिया था जो हमारे साथ खड़ा था। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रेस के अपने सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और ना भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है, जो भारतीय जनता पार्टी $1 trillion इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 trillion इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 trillion की इकोनॉमी कब बन पाएगी।
जो ये शब्द बोलना, केवल एक ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है? जो बजट दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर पॉलिसी दिखाई दे रही है, एक बार फिर से संवाददाता विवेक का रुख करेंगे। विवेक, कल जो सारा दिन चर्चा का विषय बना रहा वो अखिलेश यादव की काली शेरवानी थी। अक्सर देखा जाता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो सफेद कुर्ता पहनते हैं या सफेद सदरी पहनते हैं, लेकिन कल वो सदन में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे, क्या वजह रही? देखिए मयूरी, अखिलेश यादव के अलावा उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी भी जो सदन का हिस्सा है वो काली शेरवानी पहन के पहुंचे थे, जिसका मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार का, भाजपा की सरकार का विरोध करना, चाहे वो आजम खान के परिवार के मुद्दे पर हो, चाहे इस बजट सत्र के मुद्दे पर हो। आपको याद होगा कि बजट सत्र का ये पहला दिन जिस दिन सदन चला था, काफ़ी हंगामेदार था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया था, शिवपाल यादव की अगुवाई में प्रदर्शन किया था, और वहाँ पे सुरक्षा बलों ने, जो मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, उनको घसीटते हुए वहाँ से वो ले गए थे। इस प्रकार से काफ़ी हंगामेदार दिन था, और सदन के अंदर राज्यपाल गोबैक के नारे लगाए जा रहे थे, इस बजट सत्र का विरोध किया जा रहा था, और तमाम मुद्दों पर, जाति जनगणना से लेके किसानों के मुद्दे पर, जो सपा की सरकार है, जो विपक्ष है, वो लगातार मुद्दा उठा रहा था और सरकार से जवाब मांग रहा था। वहीं एक मुद्दा कानपुर देहात का भी था, जहां बुलडोजर की कार्रवाई की विभत्स घटना सामने आई थी। तमाम मुद्दों पर सरकार का विरोध विपक्ष कर रहा था। समाजवादी पार्टी आज भी बजट सत्र के जो दिन है, जिस दिन बजट आना था या निकल की बात है, वो काली शेरवानी पहन के अखिलेश यादव के साथ तमाम बड़े नेता सदन में मौजूद थे, जिसका साफ मकसद था कि भाजपा सरकार के इस बजट का विरोध करना। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बजट एक छलावा है और दिशाहीन बजट है, इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो बजट का कभी होता नहीं है। धरातल स्तर पर रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पे नहीं है, किसानों के मुद्दे पे नहीं है। तो शेरवानी पहनने का वजह यही है सपा के नेताओं द्वारा कि इसका विरोध किया जा सके, और उन्होंने विरोध में काली शेरवानी पहनी थी। जिस प्रकार से काले झंडे विरोध में दिखाए जाते हैं, ब्लैक रिबन पहना जाता है, तो एक काली शेरवानी पहन के विरोध का एक अनोखा नजरिया अखिलेश यादव ने। काली शेरवानी पहनने का एक वजह ये बताई जा रही है कि आजम खान का सदन में ना होना। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि आजम खान के परिवार के मुद्दे पर भी ये विरोध था, क्योंकि आजम खान के परिवार में अब किसी की भी विधायकी बची नहीं है। अब्दुल्ला आजम भी उनके ऊपर भी कार्रवाई चली, उनकी भी विधायकी चली गई है, आजम खान की भी विधायकी चली गई है। तो अब पहली बार ऐसा हुआ कि आजम परिवार में कोई जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहा है। एक वजह यह भी बताई जा रही है, मैंने आपको उसमें ऐड किया था कि यह भी एक वजह है कि विरोध में शेरवानी, काली शेरवानी पहनी गई थी। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है। योगी सरकार ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया है। बजट का आकार आपको बता दें 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंध का प्रमाण है। बीते वर्ष जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया, फिर भी राजस्व की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया गया है। यही कारण है कि आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। बता दें प्रदेश के छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है।
प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वहीं लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023 प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च होगी, जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च होगी, जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च हो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले। एक बार फिर से संवाददाता विवेक का रुख करेंगे। विवेक, कल यूपी का बजट पेश हुआ है और देखा जाए इस बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें थी, तो क्या आपकी महिलाओं से कुछ बात हो पाई है? वो बजट से कितनी खुश है? देखिए, हमने महिलाओं से भी अपना संपर्क साधने की कोशिश की और हमारी जब उनसे बात हुई तो महिलाओं के जो मत है वो अलग अलग हमको देखने को मिले। कहीं महिलाएं जो हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद करती हैं क्योंकि उन्होंने सुमंगल धन योजना लाई, इसमें 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। सुमंगल योजना के तहत किसी भी परिवार में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई और शादी तक का खर्चा इस योजना के तहत सरकार उठाती है और एक परिवार की 2 बेटियों को लाभ मिलता है। तो ऐसी योजनाएं से
योजनाओं से जो गरीब तबका है, जो निम्न वर्ग है, उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी सरकार करती है, उसकी बात जो यहाँ पे लागू होती है, महिलाओं के लिए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद इस योजना के तहत 1050 करोड़ का प्रावधान है, जो कि महिलाओं को काफ़ी ये चीज़ ये बजट में काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आ रहा है। जब हमने उनसे बातचीत की तो इसको लेकर वो काफ़ी खुश नज़र आए कि उनकी बेटियाँ जो हैं वो अच्छे से पढ़ सकेंगी, और जो शादी ब्याह की फिक्र होती है किसी भी परिवार के लड़कियों की, वो फिक्र थोड़ी दूर होती दिखाई दी है। तो इस पे जो है महिलाओं का रुझान जो है, जो विचार है, काफी सकारात्मक है। लेकिन अगर बात की देखा जाए तो बजट से युवाओं को भी काफी उम्मीद थी, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में वो रोजगार को लेकर है। उनका क्या कुछ कहना है बजट को लेकर? देखिए, हर बजट से युवा अपनी कुछ न कुछ अनुमान लगा के रखता है, हमेशा हर बजट से कुछ उम्मीद लगा के रखता है कि इस बजट में उसके लिए क्या खास होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 40 लाख से ज़्यादा युवा लाभान्वित होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा उन्हें, ऐसा वित्त मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा था। और अब तक ये सरकार 4 लाख से ज़्यादा ही रोजगार जो है वो दे पाई है, और काफ़ी बड़े वादे रोजगार पे भी किए गए। तो युवा वर्ग में एक रोष है, हमने जब युवा वर्ग से बात करने की कोशिश की, जब हमने बजट पे उनसे पूछा, तो साफ तौर पे उनका कहना था कि किसी भी सेक्टर में उनको रोजगार चाहिए। सरकारी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वैकेंसी काफ़ी डिले निकलती हैं, काफ़ी लेट निकलती हैं। अगर बात की जाए पुलिस महकमे की तो 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी जो पुलिस महकमे में निकल चुका है, और 3 महिला PSC बटालियन बनाने की बात की जाए जिससे महिलाओं को आगे किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण बनेगा, और जो युवतियां हैं वो फोर्स में जाएंगी तो इससे बेहतरी के अवसर उनको प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने का समाज में एक अहम जरिया भी बनेगा इस तरह की चीज़ें। तो रोजगार जो है युवाओं के लिए सबसे ऊपर है, कहीं ना कहीं युवा समाज जो है, युवा वर्ग जो है रोजगार पे इस सरकार से उखड़ा हुआ है, और अपने हिसाब से यानी जितनी संख्या है बेरोजगारी की उस हिसाब से वो रोजगार अपनी कैपेबिलिटी को लेकर देखना चाहता है। जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।